गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरेंद्र सिंह, सीनियर लेक्चर आर के कॉलेज ऑफ फार्मेसी। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द कोएंजाइम्स फॉर डिप्लोमा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आप लोग विटामिन पढ़ रहे थे, विटामिन में इसी चैप्टर से रिलेटेड है, कोएंजाइम्स इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है। कोएंजाइम्स इंट्रोडक्शन है आपका, बहुत बड़ा नहीं है इसमें। कोएंजाइम्स क्या होते हैं? कोएंजाइम्स होते हैं स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं केमिकल ग्रुप फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर एंजाइम। स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्टिंग द केमिकल ग्रुप फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर आर नोन एज कोएंजाइम। एक ऑर्गेनिक स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं कोएंजाइम्स जो कि केमिकल ग्रुप्स को एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम में ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, ट्रांसफर का काम करते हैं, इसको बोलते हैं कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स की एग्जांपल है जैसे थियामिन, राइबोफ्लेविन एंड फोलिक एसिड्स। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंजाइम्स, एक होता है विटामिन रिलेटेड क्लासिफिकेशन के पढ़ेंगे आप। देखो कोएंजाइम्स फ्रॉम बी कम्प्लेक्स विटामिन, मतलब ऐसे कोएंजाइम्स जो विटामिन बी कम्प्लेक्स से बने होते हैं उनको बोलते हैं कोएंजाइम्स फ्रॉम बी कम्प्लेक्स विटामिन। दूसरा होता है नॉन विटामिन कोएंजाइम्स, ऐसे बहुत सारे कोएंजाइम्स हैं जिनका विटामिन कोई लेना देना नहीं है, वो विटामिन की तरह नहीं होते बट दे आर आल्सो एज फंक्शन एज कोएंजाइम्स। फॉर एग्जांपल ग्रुप ट्रांसफर की बात कर रहे थे तो जैसे एस्टिल ग्रुप है, एस्टिल ग्रुप को जो है कौन ट्रांसफर करता है? ये कैरी करता है, कैरीड बाय कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए जो होता है एस्टिल ग्रुप को ट्रांसफर करता है, ठीक है, कैरी करता है। और जैसे इसे हाइड्राइड आयन एच माइनस आयन कैरिड बाई एन ए डी आर एन ए डी पी प्लस, तो ये एन ए डी और एन ए डी पी प्लस क्या हुआ, ये यहाँ पे एन ए डी और एन ए डी पी प्लस ये एज ए कोएंजाइम फंक्शन करेंगे यहाँ पे। और जो फंक्शनल इंजाइम्स होता है उसको बोलते हैं होलो इंजाइम, होलो इंजाइम। फंक्शनल इंजाइम को बोलते हैं होलो इंजाइम, होलो इंजाइम मीन्स पूरा जो एंजाइम होता है वो बना होता है दो पार्ट से, एक होता है प्रोटीन पार्ट, एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। तो जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं एको एंजाइम, दूसरा जो है नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको को एंजाइम बोलते हैं। तो होलो एंजाइम, होलो एंजाइम मीन एज ए होल जो फंक्शन करता है जो एंजाइम वो बना होता है एको एंजाइम और को एंजाइम से। तो एको एंजाइम हो गया प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों, को एंजाइम एको एंजाइम मिल क्या बनने होलो एंजाइम बोलते हैं। इस तरह से हम दूसरी डिफिनेशन हम दे सकते हैं को एंजाइम्स को, तो को एंजाइम्स दूसरी तरह डिफाइन कर सकते हैं। को एंजाइम्स कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन डायलाइजेबल एंड लो मोलिकुलर वेट सब्सटेंस रिलेटेड विद फंक्शन ऑफ द एंजाइम्स। ऐसे ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स, स्मॉल ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स जो कि नॉन प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, जो नॉन प्रोटीनियस नेचर के होते हैं और डायलाइजेबल होते हैं, जो डिजॉल्व हो जाते हैं और मोलिकुलर वेट उनका कम होता है, उसको भी कोएंजाइम हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो कोएंजाइम्स कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन डायलाइजेबल एंड नो मोलिकुलर वेट सब्सटेंस रिलेटेड विद फंक्शन ऑफ एंजाइम्स, जो कि एंजाइम फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। और इन कोएंजाइम्स को हम दूसरी तरह, दूसरा नाम इसको दे सकते हैं को सब्सट्रेट। जैसे एंजाइम के साथ सब्सट्रेट जुड़ता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें एंजाइम से सब्सट्रेट बाइंड करके प्रोडक्ट देता है, तो इस तरह हम कोएंजाइम को बोल सकते हैं को सब्सट्रेट बोल सकते हैं, या इसको सेकंड सब्सट्रेट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब्सट्रेट की तरह जो है, जैसे एंजाइम और सब्सट्रेट अफिनिटी होती है, बाइंडिंग होती है, उसी तरह से कोएंजाइम भी जो है एंजाइम से अफिनिटी रखता है, वैसा ही नेचर शो करता है, इसलिए इसको सेकंड सब्सट्रेट बोलते हैं। बिकॉज देयर अफिनिटी विद द एंजाइम इज कंपेरेबल विद दैट ऑफ सब्सट्रेट्स। इसको एक फिगर हम समझेंगे। एंजाइम होता है एंजाइम, ये है एंजाइम, पूरा एंजाइम है कोएंजाइम विद एंजाइम। एंजाइम जो एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट जो होती है, एक्टिव साइट के पास ही लगा होता है जो नॉन प्रोटीन पार्ट जिसको बोलते हैं कोएंजाइम, जहाँ पे आके सब्सट्रेट आपका बाइंड करता है। तो फिगर भी आप लोग बना लीजिएगा।
और इसको हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला होता है कोएंजाइम्स फ्रॉम बी कम्प्लेक्स विटामिन्स, ऐसे कोएंजाइम्स जो बी कम्प्लेक्स विटामिन्स से बने होते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल है थियामिन पायरोफॉस्फेट, थियामिन पायरोफॉस्फेट TPP शॉर्ट बोलते हैं, ये डिराइव किया गया है थियामिन विटामिन B1 से। दूसरा फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN, फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है राइबोफ्लाविन डिराइव किया गया है। इसी तरह फ्लाविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD, ये भी राइबोफ्लाविन डिराइव किया गया है। दूसरा है नॉन विटामिन कोएंजाइम्स, नॉन विटामिन कोएंजाइम्स ऐसे कोएंजाइम्स जो बी कम्प्लेक्स विटामिन से डिराइव नहीं किए गए हैं बट वो फंक्शन करते हैं एज ए कोएंजाइम, जैसे ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, CDP UDP साइटिडीन, CDP मीन्स होता है साइटिडीन डाइफॉस्फेट, UDP होता है UDP मीन्स यूरिडीन डाइफॉस्फेट एक्सेट्रा। ओके, आज इतना बहुत है, थैंक यू।